Assalamualaikum. um, आज के जो लेसन में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हैं um, हम कैसे क्लास डिफाइन करेंगे ठीक है और ऑब्जेक्ट उसका कैसे क्रिएट करेंगे um, जो हमने एक ओवरव्यू लिया अबाउट क्लास के व्हेन आई से दैट आई लाइक वेजिटेबल्स ठीक है सो so ये बात बहुत जनरल आती है जेनेरिक uh, इस तरह से है कि जब मैं वेजिटेबल कहती हूँ तो um, कुछ वेजिटेबल की प्रॉपर्टीज़ और एट्रिब्यूट्स हैं विच कम्स इन माई माइंड जो कि um, उसको डिफ्रेंशिएट करती है ठीक है व्हेन आई विद द स्टेटमेंट व्हेन आई से दैट आई लाइक फ्रूट ठीक है तो इसका मतलब है वेजिटेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिफरेंट है फ्रॉम फ्रूट ठीक है आ, लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि आई आई लाइक वेजिटेबल तो आ, ये इसलिए जनारिक हो जाता है कि क्योंकि वेजिटेबल की बहुत सी टाइप्स हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वेजिटेबल कहलाती हैं तो मैं किसी एक स्पेसिफिक वेजिटेबल की बात नहीं कर रही मैं एक जनरल पूरी एक फ़ैमिली की बात कर रही हूँ कि मुझे एक वेजिटेबल की जो फैमिली है या जो क्लास है वो पसंद है ठीक है So uh, when I say that I like potatoes, एंड मैन आई से दैट आई लाइक कैरेट सो अब जब मैं पोटैटो की बात करती हूँ तो मेरे जहन में uh, एक वेजिटेबल आता है कि पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल तो um, पोटैटो के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि um, वेजिटेबल के अंदर होती हैं ठीक है जो बिलोंग करती हैं और जब मैं ये कहती हूँ कि दैट आई लाइक कैरट सो इट मीनस के कैरेट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेजिटेबल के साथ एसोसिएटेड हैं जो, जो उससे बिलोंग करती हैं एंड वैन आई सी लाइक दैट आई लाइक एप्पल तो एप्पल इज़ नॉट ए वेजिटेबल एप्पल के अंदर वो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो कि वेजिटेबल से बिलोंग करती हैं जबकि एप्पल इज़ ए फ्रूट ठीक है तो वेन आई सेट से आई लाइक एप्पल तो इसका मतलब है कि मैं अब एक किसी फ्रूट की बात कर रही हूँ और अब मैं किसी जनरल फ्रूट की बात नहीं कर रही मैं एक स्पेसिफिक फ्रूट की बात कर रही हूँ ठीक है तो इसमें से क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है तो वेजिटेबल और फ्रूट जो हैं वो क्लासेस खिलाती हैं ठीक है जो एक आ, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देते हैं आपको जो एक एक टेम्पलेट होता है जो कि एक आपके पास लॉजिकल व्यू होता है किसी चीज़ का और एप्पल कैरेट अनियन पोटैटो ये सब क्या है ये आपके वेजिटेबल फूड क्लास की ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है उसकी एंटिटीज़ हैं जो कि एक्चुअली एक्जिस्ट करती हैं ठीक है यहाँ से वी ड्राइव वन पॉइंट दैट आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं बिल्कुल ऐसे दैट ह्यूमन इज़ अ क्लास व्हेन आई से दैट आई एम अ ह्यूमन इसका मतलब है मेरे अंदर वो सारी खसूसियात वो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि ह्यूमन के अंदर होती हैं ठीक है व्हेन आई से दैट इट इज़ एन एनिमल इसका मतलब है कि मैं जिस चीज़ की बात कर रही करी वो एनिमल है वो ह्यूमन नहीं है क्योंकि एनिमल की अपनी एक खास खसूसियात प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसको एनिमल डिक्लेयर करता है ठीक है तो अब अब क्या है कि मैं आप अली सारा राबिया, हेना, हम सब क्या हैं हम सब ह्यूमंस हैं ठीक है हम एक क्लास से बिलोंग करते हैं हम सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ना वो क्या हैं हम एक जैसी हम शेयर करते हैं वो सारे करेक्टरिस्टिक्स ठीक है लेकिन कैसे इस तरह शेयर करते हैं कि मेरी एक अपना नाम है मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है मेरा अपना एक सी एन आई सी नंबर है मेरी अपना एक स्किन कलर है मेरे अपना एक आई कलर है मेरा हेयर कलर डिफरेंट है ठीक है वी डू हैव अ फोर टू लेग्स एंड टू आर्म्स ठीक है लेकिन uh, हर इंसान के वो डिफरेंट है यूनिक है फ्राम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ठीक है तो पहला पॉइंट जो आपने ये जहन में रखना है कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं क्रिएट होते हैं ठीक है थीके? हम सब क्या हैं हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है और दूसरी चीज़ आपने जो पॉइंट आज हम आ, आपको जो समझाना है दूसरा जो सेकेंड मेन पॉइंट है दैट इज़ कि हर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एट्रीब्यूट शेयर करते हैं आपस में ठीक है ह्यूमन uh, क्लास के जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं हम सब में वो सारी खसूसियात कॉमन है ठीक है लेकिन वो इस तरह से कॉमन है कि हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट हैं यूनिक हैं आपका अपना नाम हम अब हमारे भी थिंक है जी ह्यूमन मस्ट हैव अ नेम उसका नाम होगा ठीक है हम कहते हैं यस आई हैव अ नेम एज नौशीन यू हैव अ नेम एज अली और हमजा और सारा और रिदा ठीक है आई से अ ह्यूमन मस्ट हैव अ एज ठीक है तो मैं कहती हूँ हाँ माई एज इज़ लाइक थर्टी एंड योर एज इज़ लाइक ट्वेंटी एटीन नाइनटीन ठीक है तो एज की एट्रीब्यूट हम दोनों में है शेयर्ड है ठीक है नाम का एट्रीब्यूट क्या है हम दोनों में शेयर्ड है लेकिन आपकी एक यूनिक वैल्यू है और मेरी अपनी एक यूनिक वैल्यू है ठीक है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं ये कहती हूँ कि वी ह्यूमन वन एवर ह्यूमन पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करता है उसका कोई ना कोई सी सी नंबर होगा ठीक हो अब मैं ये कहती हूँ कि जी ओके फाइन okay, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम सब में शेयर्ड है हम वो एक प्रॉपर्टी की खसूसियत शेयर कर रहे हैं आपस में लेकिन क्या है कि आपकी एक यूनिक वैल्यू है मेरी एक अपनी यूनिक वैल्यू मेरा अपना एक डिफरेंट सी नंबर है एंड यू हैव अ डिफरेंट सी नंबर बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्टूडेंट्स में देखें आप सबके क्या है आप सबके एक रोल नंबर्स हैं अब रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक्स है जो एक शेयर्ड है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक रोल नंबर होगा लेकिन क्या है यूनिकली वैल्यूड है उसकी एक यूनिक वैल्यू आप सबके अपने स्टूडेंट्स के uh, होंगे रोल uh, नंबर्स होंगे ठीक है तो um, इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मजीद स्ट्रॉग करने के लिए ना um, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ ठीक हो गया Um, हम यही जो एग्जाम्पल्स देखेंगे ना उनमें से हम एक एग्जाम्पल कोड भी करेंगे ठीक है तो इसका मतलब है कि क्लास के अंदर जब भी हम कहते हैं कि um, कोई एक क्लास है तो उसके दो मेन कंपोनेंट्स बनते हैं ठीक है um, कुछ वेरी वेरिएबल्स होते हैं जो कि उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं करैक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं ठीक है जैसे मेरा नाम है सी एन आई सी है एज है माई फ़ोन नंबर माई ई मेल एड्रेस माई एज एक्सेट्रा ठीक है ये सब क्या है ये मेरे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मेरे वेरिएबल्स की फॉर्म में होते हैं लेकिन कुछ uh, मेरे करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं ठीक है जो फंक्शन करते हैं जो ऑपरेट करते हैं मेरा बिहेवियर जो है ना वो स्टैटिक नहीं है वो वेरिएबल नहीं है इट्स अ लाइक आई वॉक आई आई स्लीप आई प्ले आई स्टडी ठीक है आई टीच ये सब क्या है ये मेरे ये वो चीज़ें हैं जो कि आई एक्चुअली परफॉर्म मेरी ये फंक्शनैलिटी है जो मैं परफॉर्म करती हूँ ठीक है तो क्लास के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो हमें डिफ़ाइन करनी होती है एक हमें characteristics, अब मतलब डिफाइन तो वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारी स्टेट होती है मैं अब कहती थी मेरी स्टेट क्या है माई स्टेट इज़ के माई नेम इज़ नौशीन माई एज इज़ दिस माई ई मेल एड्रेस दिस माई होम एड्रेस माई फ़ोन नंबर इज दिस ठीक है माई सी एन आई सी नंबर दिस ठीक है ये मेरी स्टेट्स हैं ये मेरी स्टेट को डिफ़ाइन करती है कि मैं इस वक्त राइट नाउ मेरी क्या स्टेट है ठीक है अच्छा बिल्कुल इसी तरह कुछ फंक्शनैलिटी uh, को मैंने अगर अपने डिफ़ाइन uh, uh, करना है कि एज़ अ नौशीन मैं क्या काम करती हूँ आई आई वर्क ठीक है आई टीच आई कुक आई आई वॉक ठीक है ये सारी आई टॉक से, तो मेरी जो फंक्शनैलिटी है ना वो हम हम प्रोग्रामिंग में क्या कैसे यूज कर सकते हैं वो हम फिर अपनी फंक्शनैलिटी और ऑपरेशन को जो है ना थ्रू फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं ठीक है जो बिहेवियर होता है वो हम फिर आपके लिए अपने फंक्शंस बनाते हैं ठीक है अच्छा लेट्स सी वन एग्जांपल ये देखें हमारे पास एक डॉग की ना क्या है क्लास है अब ये कह देना दैट आई लाइक डॉग ठीक है सो ये एक बड़ी आ, ये भी एक जनरल बात है विच डॉग आई इवन आई लाइक हस्की और लाइक लेब्राडॉर ठीक है मुझे किस कौन सा डॉग पसंद है मुझे किस कलर का डॉग पसंद है ठीक है या मुझे किस एज के डॉग्स पसंद है ठीक है तो वन आई से सिंपली दैट अ डॉग ठीक है तो ये एक जनरल बात है इसका मतलब है एक डॉग इज़ अ क्लास ठीक है अब मैंने क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले कि डॉग क्लास के अंदर दो चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी होती हैं एक हम उसके डेटा मेंबर्स बताते हैं मतलब हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जो कि उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उसकी स्टेट बताते हैं ये हम खुद से डिफाइन करते हैं ठीक है हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन से एट्रीब्यूट जो है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किए सारे नहीं किए हमने कहा ओके फाइन ये बताएं कि ब्रीड क्या होगी डॉग की साइज़ क्या होना चाहिए उसका इज़ ए बिग और स्मॉल डॉग ठीक है या उसकी एज क्या है और उसका कलर क्या है ये जब चार पांच चीज़ें आप हमें बताएंगे ना तो हमें डॉग की कुछ एट्रीब्यूट्स नजर आना शुरू होंगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आना शुरू होंगी हमें समझ आएगी कि हम किस स्पेसिफिक डॉग की बात करें और जब हम उसके बिहेवियर की बात करते हैं ना तो इसका मतलब है मुझे दूसरी चीज़ क्या डिफ़ाइन करनी होती है मेथड या फंक्शनैलिटी वो काम क्या करता है ठीक है वो ऑपरेट क्या करता है हम कहते हैं जी डॉग कैन ईट तो हम उसका फंक्शन बनाएंगे वो स्लीप कर सकता है हम उसका फंक्शन बनाएंगे इट कैन सेट और इट कैन रन ठीक है ये क्या है ये जो फंक्शंस होते हैं ना ये एक्चुअली आपकी क्लास का बिहेवियर शो करते हैं कि एक्चुअली ये क्लास कर क्या सकती है क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है ठीक है तो याद रखिए कि जब भी आप कोई भी क्लास बनाते हैं हम उसके एट्रीब्यूट्स और स्टेट्स के लिए डेटा मेम्बर्स बनाते हैं ठीक है और उसके बाद हमने जब उस क्लास का बिहेवियर शो करना होता है ना तो उस बिहेवियर के लिए या उसके ऑपरेशन शो करने होते हैं तो हम उसके फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं ठीक हो गया यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल देखें ये देखें ये आपके पास क्लास डॉग ही है ठीक हो गया उसके एट्रीब्यूट्स और स्टेट्स जो हैं वो ये ब्रीड एज और कलर है ठीक है बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्या है उसका बिहेवियर क्या है कि इट कैन बार्क इट कैन स्लीप इट कैन ईट ठीक है और ये दोनों बातें किस चीज़ का हिस्सा हैं डॉग क्लास का हिस्सा हैं ठीक हो गया अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे आप और मैं और हम सब क्या हैं एक ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही इस एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं डॉग वन भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो डॉग टू भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉग थ्री भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट फोर भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है डॉग वन डॉग टू डॉग थ्री डॉट फोर इस इस इंफॉर्मेशन को इस एक््रेक्टर्स को शेयर कर रहे हैं हम जब मैं कहती हूँ कि आप इस डॉग वन को कोई नाम भी दे सकते हैं ठीक है थीके? मैं इसको कोई नाम देती हूँ कि आई हैव पपी नेम एज से टोनी ठीक है इट्स अ टोनी इट्स अ सोजू समथिंग ठीक है आप जो भी अपने पेट को नाम देना है आप उसके नाम देते जाएं बेशक ठीक है यहाँ पे हमने अपने इजी के लिए डॉग वन डॉग टू डॉग थ्री इसका मतलब ये फोर ऑब्जेक्ट्स हैं ये चार डिफरेंट डॉग्स हैं अब ये चारों डॉग्स जो बात मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की ये एक डॉग क्लास की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं ठीक है लेकिन यूनिकली शेयर कर रहे हैं ठीक है इन सब के अपने एट्रीब्यूट्स हैं इस डॉग की अपनी ब्रीड होगी इसकी अपनी एज होगी इसका अपना कलर होगा ठीक है इसका बिहेवियर बार करने का और होगा इसका स्लीप पैटर्न अपना होगा इसका ईट पैटर्न डिफरेंट होगा ठीक है बिल्कुल सीधा डॉग टू जो है वो शायद सेम ब्रीड का हो लेकिन उसकी एज हो सकती है सेम हो लेकिन कलर उसका डिफरेंट होगा बेशक सेम ब्रीड सेम एज सेम कलर के हो हो भी जाएँ सो so, लेकिन हैं तो दो डिफरेंट डॉग्स दो डिफरेंट एंटिटीज हैं ठीक हो गया अच्छा बिल्कुल इसी तरह डॉग थ्री क्या है इसी डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है उस वो यही एट्रीब्यूट्स कैक्टर शेयर करता है ठीक है लेकिन विद डिफरेंट वैल्यूज उसकी अपनी एक डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इस चीज़ को ऐसे समझें कि आपके पास ये कार क्लास है कार की मैं कहती हूँ कि आई लाइक कार्स ठीक है दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक थिंग टू से भाई कौन सी कार ठीक है वेन आई से दैट आई लाइक ऑडी माई फ्रेंड लाइक्स ऑडी एक्चुअली ठीक है तो मैं ये कहती हूँ ओके माई फ्रेंड लाइक्स ऑडी तो इसका मतलब है कि आ, मैं अब एक किसी जनरल कार की बात नहीं कर रही मैं एक स्पेसिफिक कार की बात कर रही हूँ जब मेरे दिन में ऑडी आते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ फ़ीचर्स और फंक्शनलिटीज़ हैं जो हमारे माइंड में आती हैं वैन आई ए दर मै ब्रदर्स लाइक बी एम डब्ल्यू तो इसका मतलब है कि बी एम डब्ल्यू इट्स नॉट मैं किसी जनरल कार की बात कर रही करी अब मैं किसी खास एक ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ ठीक है और बी एम डब्ल्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे माइंड में आती हैं ठीक हो गया सो so, ये बात इस एक एग्जांपल और में देखें आपके पास क्या है कि मैं कहती हूँ जी पर्सन इज़ अ क्लास ठीक है अब आप हैं और मैं हूँ ठीक है हमारे इस क्लास को डिफाइन करने के लिए कुछ डेटा मेंबर्स हैं और कुछ मेथड्स हैं मैं कहती हूँ जो माय नेम मेरा एक यूनिक आईडी मतलब सी एन आई सी माई नेम एज सिटी एंड जेंडर ठीक है ये एक एट्रीब्यूट है जो कि पर्सन क्लास के अंदर लाजमी होने चाहिए इसी तरह मेरे कुछ हैबिट्स हैं मेरी कुछ फंक्शनलिटीज है जो मैं परफॉर्म करती हूँ ठीक है जो मेरा बिहेवियर है वो क्यों शो करता है ईट का फंक्शन स्टडी स्लीप का फंक्शन प्ले का फंक्शन ठीक हो गया तो ये मेरे बिहेवियर शो करें अब बात यह है जो बात मैं आपको uh, पहले भी स्टार्ट से ये बात जो समझाना चाह रही हूँ पॉइंट टू जो है मेरा फर्स्ट पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है ना वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट के मल्टी एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं ठीक हो गया जब वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना तो हर ऑब्जेक्ट के वो क्या करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट्स uh, को शेयर करते हैं लेकिन उनकी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं अब देखो मर्सिडीज़ बी एम तीनों हैं तो कार ही कार क्लास को ही को रिप्रेजेंट कर रही हैं लेकिन मर्सिडीज की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं बी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं एक ऑडी का अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी अपनी एक यूनिक वैल्यूज़ हैं उसके लेके कैसे ऐसे अब ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन शी इज़ ऑल्सो अ पर्सन अब वो नेम एज सिटी जेंडर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ना ये सेम है दोनों में नेम एंड सिटी जेंडर ये सेम है लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ है ना जॉन थर्टी फाइव दिल्ली मेल डेसी ट्वेंटी प्यून फीमेल ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या कर रही होती हैं वेरी कर रही होती हैं इसलिए हम यहाँ पे की पॉइंट मैंशन uh, करते हैं इसको प्लीज लिख लें अपने पास दैट ऑल इंस्टेंसिस या ऑल ऑबजेक्ट शेयर द एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास ठीक है जितने भी आपके ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना ये क्या कर रहे हैं ये शेयर कर रहे करें यह एट्रीब्यूट द क्लास बट द वैल्यूज ऑफ दोज एट्रब्यूट्स आर यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट बट द वैल्यूज ऑफ दिज ऑब्जेक्ट्स ठीक है दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉरी द वैल्यूज ऑफ दिज एटरीब्यूट्स आर यूनिक फॉर ईच ऑबजेक्ट इसकी इस ऑब्जेक्ट की, इस की अपनी वो वैल्यूज़ हैं और इस ऑब्जेक्ट की वो अपनी वैल्यूज़ हैं ये जो बात अभी मैंने कही आपसे लेट्स कोड इट ठीक है इसको कोड करते हैं हम एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं हम कुछ फंक्शनैलिटी फंक्शन function एक दो ऐड करते हैं ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट नाम देंगे ठीक है सो लेट्स डू इट ना दिस इज़ द इन्वायरमेंट आप यहाँ से क्या करेंगे न्यू um, प्रोजेक्ट करेंगे आई नीम मैं एक डॉग uh, क्लास बना रही हूँ ठीक है आप इसको सिंपल डॉग भी कह सकते हैं अनचेक दिस मैं ख़ुद आपको मेन बनवाऊँगी ठीक है एंड नो एक सेकेंड आई डोंट वॉन्ट दिस मुझे मैंने गर्ल गर्ल पाथ पे बना दी एक्चुअली Um, इसको डिलीट कर दिया मैंने गलत गलतपात पे बनाई है मुझे कहीं और बनानी है मैंने लोकेशन नहीं सेट की आई वांट इट हेयर आई वांट इट इन माई वर्किंग मेरे जावा प्रोजेक्ट्स इसमें पड़े हैं ठीक है I name it as dog class ठीक है मुझे मेन को अनचेक कर दें मैं आपसे एक और फाइल के अंदर मेन बनवाऊँगी ठीक है इसको फिनिश कर दें अच्छा ये मेरी फाइल dog class बन गई इसके अंदर मैंने एक जावा क्लास बनानी है जो कि मैं dog नाम से बनाऊँगी एंड इट्स कोइंग इन okay ओके Java programs and फिनिश दिस वट आई एम डूइंग हेयर इज सिंपल सॉरी सात सात प्लीज कोट करें इसे इट्स अ सिंपल टॉक क्लास एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस चले ठीक है अब ये देखेंगे मेरी क्लास uh, जो है वो है इट्स a uh, keyword। यहाँ पे आप अपने आसानी के लिए एंड ऑफ क्लास लिख लें सो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ डिफाइन हो रही है सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूँगी और फिर इसके अंदर मुझे इसके मेथड्स या फंक्शंस डिफाइन करने हैं ठीक हो गया अच्छा एट्रीब्यूट्स में मैंने देखा क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास लेट्स सी, आई हैव अ ब्रीड ठीक है तो मैं एक स्ट्रिंग ब्रीड दूंगी, ठीक हो गया अच्छा स्ट्रिंग एट्रीब्यूट में कलर दूंगी, देन इंट एज देंगे देन इंट साइज देंगे ठीक हो गया ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए अब मुझे इसके फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो मैं इसके फंक्शंस डिफाइन कर लूंगी व्हेन आई से दैट पब्लिक वाइड व्हाट डस इट ईट ठीक है मैं यहाँ पे सिंपल कुछ प्रिंट करा दूंगी क्योंकि अभी वी डोंट हैव अ सच फंक्शनैलिटी तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज डॉग फूड ठ ठ ठ ठ ठीक है चलिए इसी तरह आप बाकी फंक्शंस भी बना सकते हैं जैसे स्लीप है सिट है और रन है ठीक है आप और भी फंक्शंस बना सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू यून ए वैन आई सेट जस्ट टू मेक इट हरी यहाँ पे लिख लें ठीक हो गया अब एक चीज और ध्यान देखें ये मेरे नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं ठीक है वट आर दे दे आर नॉन स्टैटिक इसका मतलब है जब मुझे इनको कॉल करना होगा तो मुझे इनका जिस क्लास के अंदर ये डिफाइन है ना उस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा ठीक हो गया ये नॉन स्टैटिक मैथड्स हैं साथ साथ देखिए सारी चीज़ें लिंक हैं, इसलिए आ, ये सब चीज़ें ना आपको साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएंगी अब देखिए मैंने आपको पहले स्टैटिक मैथड्स बताया अब ये एक नॉन स्टैटिक मैथड भी इसके अंदर बनता है इसका मतलब है मैंने इसके साथ स्टैटिक का keyword लिखा नहीं लिखा इसका मतलब है जब भी मैं ये फंक्शन अब कॉल करूँगी ना जहाँ पर भी तो मुझे जिस क्लास के अंदर यह डिफाइंड है जिस डॉ क्लास के अंदर डिफाइंड है मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा ठीक है वरना ये कॉल मेन के अंदर ऐसे नहीं होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा अच्छा फिर एक आप एक काम और करें जो कि हम हमेशा एक फंक्शन बनाते हैं आ, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का मैं चाहती हूँ कि हम डॉग की इंफॉर्मेशन ना बाद में डिस्प्ले भी करा दें आ, प्रिंट इन्फो कर दें या डिस्प्ले करा दें ठीक है डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि जस्ट क्या करेगा सिंपल एक इंफॉर्मेशन आपके डॉ की प्रिंट करेगा अब वो मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है मुझे उसका ब्रीड मुझे उसकी एज और मुझे उसका ब्रीड कलर एज और साइज ठीक है मुझे ये सारे क्या करने हैं उससे आ, कराने हैं प्रिंट कराना है ठीक है यहाँ पे मैं दूंगी उसकी ब्रीड इनपुट करें ठीक है और साथ साथ कोड करें प्लीज़ कोड विद मी उसकी एज प्रिंट करें उसकी कलर um, प्रिंट करवाएं, एंड उसका साइज़ प्रिंट कराएं, ठीक हो गया ओके लेट्स सेव दिस अच्छा अब एक और चीज़ का ये ख्याल रखें जो कि आपको करना है जब भी आप ये मेंबर्स बनाते हैं ना ये वाले ठीक है आ, आपने क्या करने हैं? आपने इन्हें प्राइवेट करना होगा ठीक है प्राइवेट का मतलब ये है कि ये फंक्शन यहाँ से बाहर कॉल नहीं हो सकते या यूज़ नहीं हो सकते या इसको कोई बाहर से सिस नहीं कर सकता ठीक हो गया अच्छा दो मैं आपको प्राइवेट बता देती हूँ और दो हम हमने पब्लिक रखे हैं बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपने आपनेस डिफ़ाइन नहीं की ना तो इट्स अ पब्लिक असेस ठीक हो गया अच्छा अब अगर आपके पास प्राइवेट मेंबर है ना तो उसको वैल्यू सेट करने का एक तरीका है वो बताऊँगी और अगर आपके पास पब्लिक uh, एट्रीब्यूट्स हैं तो क्या है uh, वो आराम से सेस दूसरी क्लास में हो सकते हैं ठीक है आउटसाइड द क्लास वो सेस हो सकते हैं तो मैं आपको दोनों का तरीका बता दूंगी कि ये कैसे होगा ठीक है अच्छा तो मैंने दो को प्राइवेट कर दिए है और दो मेरे पब्लिक हैं अच्छा अभी जो हमने और मैंने प्रिंट इन्फॉर्मेशन में सारे प्रिंट कर दिए हैं अच्छा अब बात करते हैं मेन की मैंने ये एट्रीब्यूट्स क्लास बना ली उसमें मैंने ये एट्रीब्यूट्स कर दिए और यहाँ पे मैंने उसके मेथड्स डिफ़ाइन कर दिए ठीक है और इसको यहाँ पे हम ऊपर ले जाते हैं इतना काम करें अभी आप मेरे साथ इट विद मी यहाँ पे ये मेरे मेथड्स डिफ़ाइन हो गए ठीक है हमने एक जावा क्लास बनाई हमने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स बता दिए और हमने उसके मेथड्स या जो बिहेवियर है हमने वो ये तीन फंक्शंस बता दिए तीनों नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं अब आपने क्या करना है आपने एक और जावा क्लास बनानी है ठीक है ये इसको मैं जो ये मैं क्लास बनाऊंगी ना इसके अंदर मैं हमेशा अपना मेन बनाऊंगी ठीक है हमारा ये पैटर्न होगा मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जितना भी लॉजिकल काम है ना क्लास का जो वो अलग रहे वो एक अलग फाइल में रहे वो मेन के साथ मैं सपना हो ठीक है आप इसके अंदर भी मेन बना के डॉग क्लास के अंदर भी नीचे मेन करके आप ये डॉग के ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं ठीक है बट आई वॉन्ट के मेरी ये डॉग की क्लास में मेन मेथड ना हो ये डॉग की क्लास आगे कहीं दोबारा री हो सके ठीक है तो इसलिए हम हमेशा ये प्रैक्टिस करते हैं कि मेरा मेन मेथड अलग हो अब आपके पास ऑप्शन है या तो आप इसको मेन क्लास का नाम दे दें इट्स अप टू यू या फिर जो वट आई प्रैक्टिस इज़ दैट मैं इसको मैंने एक्चुअली क्या करना है ये इस डॉग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी तो मैंने इसकी टेस्टिंग ही तो करनी है तो मैं यह डॉग टेस्ट कर दूँगी या आप इसको बेशक टेस्टिंग का नाम भी दे दें जब भी आप ऐसा नाम देंगे ना तो वी गेट टू हिंट कि आप यहाँ पे कोई मेन मेथड की बात करें इसके अंदर कोई मेन मेथड है जो एक्चुअली चल रहा है और ये डॉग की क्लास क्या होगी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वहाँ पे तो वो रन हो रहा है ठीक है मैं ये चाह रही हूँ आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि हम अपने जो लॉजिकल सारा क्लास का कॉन्सेप्ट है वो हम एक अलग क्लास में रखें और मेन मेथड हम एक डिफरेंट जावा क्लास के अंदर रखें जो कि रन हो वहाँ से ठीक हो गया तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी फॉर माई ईज कि दिस इज अ डॉग क्लास की टेस्टिंग हो रही है तो मैं ये डॉग टेस्टिंग लिख दी है ठीक है इसके अंदर मेरा मेन मेथड होगा अब मैं इसको बनाऊंगी ठीक है लेट्स फिनिश दिस ठीक है यहाँ पे एक्चुअली मेरा क्या होगा मेरा मेन मेथड बनेगा जिसके अंदर मैं क्रिएट करूँगी डिफरेंट डॉग ऑब्जेक्ट्स ठीक हो गया तो इसका मतलब आई नीड टू मेक अ मेन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ऑर्गूमेंट्स पास करें दिज आर जस्ट वेरिएबल आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं ठीक है दिस इज माई एंड ऑफ मेन ठीक है ओके नाउ कम है अब देखें ये मेरा मेन मेथड है अब मुझे क्या करना है मुझे इस डॉग क्लास का इस मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ठीक है अभी तक मैंने आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था ठीक है हमने एरे uh, को क्रिएट करना सिखाया था बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे हमने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपने क्या किया हुआ देखें आपने स्कैनर किया आपने उसको ऑब्जेक्ट दिया था ठीक है और इस ऑब्जेक्ट के बाद आपने ये ऑब्जेक्ट दिया था और uh, वीड इट दिस न्यू एंड देन स्कैनर एंड सिस्टम हमने ठीक है इस तरह करके काम किया था अच्छा बिल्कुल ऐसे ही मुझे सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मैं उस क्लास का नाम लिखूँगी मैं कहती हूँ दिस इज़ माई डी वन ठीक है जैसे वो जो आपको एग्ज़ाम्पल में बताया था ठीक है यहाँ पे देखें ये वाला डॉग वन बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस नाम से डॉग वन के नाम से न्यू ऑपरेटर क्या करेगा उसको मेमोरी एलोकेट करेगा उसको क्रिएट करेगा ठीक है क्रिएट करने का मतलब क्या होता है वो मेमोरी में एलोकेट हो रहा है ठीक हो क्या क्या चीज़ अब इस न्यू को क्या पता चले भी मैंने क्या काम करना है जो काम वो करेगा वो बाद में आके इस डी वन को असाइन करेगा ना यहाँ पे तो असाइनमेंट हो रही है हम इस डी वन को क्या कर रहे हैं ये मैं एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं हम डी को कहते हैं भाई डी वन न्यू को हम कह रहे हैं भाई आपने क्या करना है आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किस का? क्लास का डॉग क्लास का ठीक है ये मैंने उसको पास कर दिया नाउ वट इज़ दिस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ठीक है कि ये क्या है ठीक है बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका क्या पर्पस है ये क्यों मनाते हैं um, ये हम दिस विल बी आ कंप्लीट लेसन इस नेक्स्ट इंशाल्लाह ठीक है सो so, हमने एक ऑब्जेक्ट uh, क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपका सिंटेक्स क्या है क्लास ऑब्जेक्ट नेम न्यू ऑपरेटर एंड देन दिस थिंग ठीक है ये कंस्ट्रक्टर जो है ना आपकी क्लास के नाम का ही होता है ठीक है दोनों का नाम सेम होना चाहिए यू कॉन्ट डू दिस लाइक ये ऐसा नहीं करेंगे कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ठीक है ये जो पार्ट होता है ना ये सेम नाम का होता है जिस नाम की आपकी ये क्लास होती है ठीक हो गया अच्छा ये हमने बात कर ली आ, हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ठीक है हमने कहा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट सॉरी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका D1 का डी वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अच्छा अब हमने क्या करना है मेरे पास क्या है ये देखें ब्रीड और कलर की वैल्यूज़ मुझे सेट करनी है और मुझे एज और साइज़ की वैल्यू अब डी वन की अपनी वैल्यूज़ होंगी ठीक है अच्छा नाउ लेट्स डू दिस अब मुझे ये वैल्यूज़ मैं कहती हूँ डी डॉट ब्रीड ठीक है अब मैं इन वैल्यूज़ को कैसे असेस करूँगी मैं इन वैल्यूज़ को क्या करूँगी मैं इसका ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को असेस करूँगी मैं कहूँगी डी डॉट ब्रीड डी डॉट कलर डी डॉट एज डी डॉट साइज़ अच्छा अब आप क्या देखते हैं जब मैं और मैं कहती हूँ जी ब्रीड दे दें हसकी स्ट्रिंग थी ना स्ट्रिंग दी अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा है ठीक है एरर क्यों आ रहा है मैं ये कहती हूँ जी कहती कही कैनॉट अच्छा सॉरी कैनॉट फाइंड सिम्बल यून ये आ गया अच्छा डी वन कर दिया अभी आपको ये एरर आ रहा है किसके ऊपर ब्रीड के तो वो कहता है जी ब्रीड के ऊपर क्यों एरर है इस एरर को रीड करें प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग योर एरर्स डोंट बी डोंट हेजिटेट दैन ठीक है आपको ये एरर्स बहुत सही एक्यूरेट प्रॉब्लम बताते हैं मैंने आपको क्लास में ये बात भी समझाई थी कि जब आप एरर्स को रिजॉल्व करना सीखते हैं ना एक्चुअली यू स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग अब वो ये क्या कहता है जी ब्रीड एज अ प्राइवेट डॉग वो कहता है भाई ब्रीड का जो एट्रीब्यूट है वो एक प्राइवेट मेंबर है प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं हम असेस मोडिफायर इनको कहते हैं एक्चुअली हम ये कहते हैं भाई आपने उसकी असिस्ट प्राइवेट रखी हुई है इस क्लास से बाहर कोई चीज़ भी इस ब्रीड को असट नहीं कर सकती ब्रीड एंड कलर को हाँ ये ब्रीड एंड कलर को कौन असेस्ट कर सकता है इस क्लास के अंदर कहीं भी भी आप प्रिंट करा देना इस विद इन द क्लास किसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दें इसी स्कोप के अंदर ब्रीड आप जहाँ मर्जी यूज़ कर लें विद इन दिस क्लास आप ब्रीड <coughs> एक्सक्यूज़ मी आप ब्रीड और कलर को जहाँ मर्जी यूज़ करें वो यूज़ होंगे लेकिन आप क्या करें आप इस क्लास से निकल के आप दूसरी क्लास के अंदर आप उस ब्रीड को असेस नहीं कर सकते आपको अलाउ ही नहीं है दैट्स अ प्राइवेट मेबर बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कलर uh, को आई थिंक कलर इज़ माई अनदर प्राइवेट मम्बर राइट यस कलर्स इज़ एन अनदर प्राइवेट मेम्बर मैं इसको भी करूँगी ना ठीक है तो वो न, नहीं काम करेगा ठीक है क्यों वो भी इसमें भी कहता है ये दोनों प्राइवेट मेम्बर्स हैं आप कैसे इनको असेस कर सकते हैं ठीक है सो so, इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है प्राइवेट मेम्बर्स को भी वैल्यू सेट करने का एक तरीका है उनको असेस करने का आउटसाइड द क्लास देर इज़ अ वे ठीक है मैं अब आपको बताती हूँ कैसे लेकिन भाई मैं पब्लिक मेंबर्स तो कर सकती हूँ ना डी वन डॉट एज करती हूँ वो देखें एज उसने उठा लिया अच्छा एज करने के लिए उसकी वैल्यू सेट करेंगे विच इज़ आई से इट्स टू ईयर्स ठीक है अच्छा देखें वो हो गया उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया बिल्कुल इसी तरह मैं डी वन डॉट साइज देखें जो पब्लिक है वो आपको आ जाते हैं हिंट में जो प्राइवेट था वो मुझे नहीं आ रहे थे ऑप्शंस में मैंने साइज को किया मैं कहती हूँ कि फाइव साइजेस इज़ लाइक लेट्स से टेन टेन सेंटीमीटर उसकी टेन इंचेस उसकी हाइट है टेन इंचेस इज वेरी स्मॉल एक्चुअली थर्टी इंचेस या फोटी इंचेस उसकी वो है ठीक है uh, जिसमें भी आपने करना है देखो ये अब असेस हो गए अच्छा इसको फ़िलहाल हम क्या करते हैं कॉमेंट करते हैं भई वो ये तो प्राइवेट वैल्यूज़ उठा ही नहीं रहा प्राइवेट वैल्यूज़ के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा देखें प्राइवेट वैल्यूज़ को असेस करने के लिए ना यहाँ पे आ जाए ये जो प्राइवेट है ना जब भी आप अपने क्लास के वेरिएबल्स को प्राइवेट करते हैं पब्लिक तो आउटसाइड द क्लास असेस हो गए उनकी वैल्यूज़ भी असाइन हो गई वो प्रिंट भी हो जाएंगे ठीक है लेकिन जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ना ना तो उनकी वैल्यूज़ सेट होंगी ना ही मैं उनकी वैल्यूज़ गेट कर सकती हूँ सेट करने का मतलब है कि मैं इनपुट लूँ और गेट करने का मतलब है कि मैं डिस्प्ले कराऊँ मैं रिटर्न लूँ कि मुझे बताओ कि इनकी क्या वैल्यूज़ हुई थी तो जब भी आपके पास प्राइवेट मेंबर्स हों तो उनको वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए और उनकी वैल्यूज़ को आउटपुट करने के लिए ना आपको सेट और गेट के फंक्शंस बनाना पड़ते हैं ठीक है क्या करना पड़ता है सेट एंड गेट फंक्शंस बनाते पड़ते हैं या तो हम उनको सेटर्स एंड गेटर्स कहते हैं ठीक है सेटर्स एंड गेटर हमें ये बताते हैं कि भाई आपने एक प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है और सेट करनी है अब ये जो सेटर गेटर फंक्शंस होते हैं ना ये क्या होते हैं ये पब्लिक होते हैं ठीक है ये यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू सेट करेंगे ठीक है और आउटसाइड द क्लास हम उनको क्या कर सकते हैं हम उनको कॉल कर सकते हैं ठीक हो गया अच्छा लेट्स डू इट मैं चाहती हूँ कि मैंने ब्रीड की वैल्यू सेट करनी है मैं इसको लिखूँगी पब्लिक ठीक है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, नॉन स्टैटिक मेथड है और मैं इसको कहती हूँ सेट ब्रीड के नाम से मैं एक फंक्शन बनाती हूँ सेट ब्रीड का मतलब है कि वो क्या करेगा इनपुट लेगा इनपुट ब्रीड वैल्यू अब वो इनपुट ले रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करने की बात है और वो क्या इनपुट ले रहा है वो एक ब्रीड स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है तो मैंने कहा कि भाई मैं मुझे जो है ना ये एक स्ट्रिंग uh, चाहिए कि uh, किस वेरिएबल के अंदर आके सेव होगी बी के अंदर अब मैं क्या कहती हूँ मैं कहती हूँ ब्रीड आपको कौन सी वैल्यू साइन होगी जो ये बी आपके पास लेकर आएगा ठीक हो गया हमने ब्रीड सेट कर दी अच्छा अब क्योंकि ये ब्रीड का फंक्शन क्या है ये पब्लिक है देखो ये पब्लिक है इसका मतलब है ये आउटसाइड द क्लास कॉल हो सकता है ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ d1 वन डॉट सेट वो देखें सेट ब्रीड आ गया क्यों आ गया बाई डिफ़ॉल्ट क्योंकि वो पब्लिक था ठीक है मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ वो कहता है जी अब मैं यहाँ से ब्रीड भेज सकती हूँ वैल्यूज़ को मैं कहती हूँ भाई मुझे ना हस्की चाहिए ठीक है अब देखें कोई एरर आया नहीं आया अब क्या होगा मेरी जो ब्रीड है वो सेट हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह मतलब ब्रीड के अब, ब्रीड को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी हंस की हो जाएगी तो जब भी आपका प्राइवेट मेंबर है प्राइवेट मेंबर से वैल्यू लेने ल, को वैल्यू असाइन करने के लिए और उससे वापस वैल्यू गेट करने के लिए आपको सेटर और गेटर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं आपको वैल्यू गेट भी करनी पड़ती है अभी तो मैं सेट का फंक्शन बना रही हूँ सेट का फंक्शन क्या करता है वो वैल्यू आपको असाइन करता है इनपुट करता है ठीक है असाइन यूँ कर लें चलें असाइन ब्रीड वैल्यू कर लें ठीक है अच्छा अब बिल्कुल इसी तरह मैं क्या करूँगी मैं एक जल्दी से एज के लिए भी फंक्शन बनाऊँगी जो कि क्या करेगा सेट नहीं कलर सेट कलर करेगा वो भी क्या करे एक स्ट्रिंग ले रहे इनपुट लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा जो कलर मैंने दिया हुआ है उसको ये वैल्यू असाइन कर देगा ये मेरे क्लास वेरिएबल्स हैं ठीक है ये मेरे क्लास वेरिएबल्स हैं अच्छा अब यहाँ पर आ जाए यहाँ पे मैं फिर कहती हूँ d1 वन डॉट सेट कलर देखिए अब ये दोनों फंक्शन पब्लिक है ना दोनों आ रहे हैं वो कहते हैं बताओ इस क्लास का कौन सा फंक्शन आपने कॉल करना है मैं कहती हूँ मुझे सेट कलर का कॉल करना है एंड नैन आई सेट ओके फाइन आई लाइक स्किन वाइट लेट से ठीक है सही तो मैंने ये कॉल कर लिया अच्छा अब ये जो वैल्यूज़ मैंने अब इनपुट तो हो गई ये जो अब क्या है डॉग के अंदर जो है ना इसकी वैल्यूज आ गई ब्रीड भी कलर भी एज भी साइज़ भी ये एक ऑब्जेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल अब मुझे प्रिंट भी कराना है कि ये वैल्यूज आई क्या है ठीक है तो मैं इसी इसी का ही प्रिंट का फंक्शन प्रिंट इन्फॉर्मेशन करूँगी ना तो इस डॉग की सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट होती जाएगी इन लाइन ठीक हो गया अच्छा अब ये तो हो गया एक डॉग ठीक है अभी जो बात मैंने आपको समझाई वो क्या थी कि आपने एक इस फाइल के अंदर इस जावा फाइल के अंदर आपने सारी अपनी लॉजिक रखनी है एक फाइल के अंदर आपने उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस या मेथड्स बनाने ये मैंने एट्रीब्यूट्स बना दिए उसके बाद मैंने उसके कुछ जो फंक्शंस बनते हैं जितने भी आपने बनाने एज रिक्वायर्ड हमने उसके लेट से ये दो फंक्शंस बना दिए थे ठीक हो गया अच्छा उसके बाद क्या है मैंने उसके आ, प्रिंट इन्फॉर्मेशन का भी फंक्शन बना दिया मुझे सेट सेट फंक्शन क्यों बनाना पड़े क्योंकि मेरे दो प्राइवेट मेंबर्स थे और वो प्राइवेट मेंबर्स तो, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो सकते ठीक है वो कहाँ यूज़ हो सकते हैं वो विद इन द क्लास यूज़ होंगे ठीक है अब विद इन द क्लास यूज़ होने के लिए मैंने के, ट्रिक क्या की कि मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया जिसको आउटसाइड द क्लास कॉल किया वो वैल्यूज़ उसको पास की और वैल्यू वो ला के यहाँ पे सेट कर दी ब्रीड को दे दी ठीक हो गया तो मैंने इस तरह क्या कर दिया प्राइवेट मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी इनको हम सेटर फंक्शंस कहते हैं ठीक है जो कि वैल्यूज़ इनपुट करते हैं असाइन लेते हैं गेट गेटर फंक्शंस वो होते हैं जो कि आपको रिट्रीव करके देते हैं डिस्प्ले करवाते हैं रिटर्न करके देते हैं आपको वैल्यू ठीक हो गया अभी थोड़ी देर में आपको वो भी समझाती हूँ अभी जो आपको एक बात ये बतानी है कि आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्या आप दो ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं मैं यहां पे डी टू बनाती हूँ ठीक है डॉग का ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ठीक हो गया अच्छा इसकी वैल्यू असाइन करने से पहले ना यूं करते हैं आपको ये रन करके दिखा देती हूँ अब देखिए वो रन किया उसको मेन मेथड पूछा है कि आप बताएं आपका मेन क्लास कहाँ पर है मेन मेथड किसके अंदर है तो मेरे पास डॉग टेस्टिंग के अंदर मेन क्लास है ठीक है वो कहता है इसको रन करना हम कहते हैं यस रन इट देखिए मैंने पहले प्रिंट कराया था ब्रीड फिर मैंने एज फिर मैंने कलर और फिर मैंने साइज तो ये मेरा क्या है प्रिंट हो रहा है सही हो गया आप यहाँ पे यूं करें बेशक यहाँ पे एक सिस्टम सिंपल uh, एक लाइन प्रिंट करा दें ताकि आपको पता चले आप प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं Uh, मैं कहती हूँ जी मैं पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रही हूँ दैट इज डी वन ठीक है डॉग वन ठीक है डी वन मीन्स डॉग वन ठीक है लेट्स डू इट ये देखिए जो प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट वन दैट इज़ डॉग वन मैंने डॉग वन की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो प्रिंट करा दी ठीक हो गया इसी तरह हम डॉग टू बनाते हैं डॉग टू का डी वन डॉट एज आ गया हम कहते हैं भाई इसकी एज जो है ना इट्स लाइक वन ईयर और समथिंग अच्छा डी वन का साइज इट्स लाइक फाइव कर देते हैं ठीक है d1 वन डॉट इसकी ब्रीड सेट करनी है तो वो तो है ही डिफरेंट हम कहते हैं जी चलें जर्मन शेफर्ड ले लेते हैं ठीक है अच्छा देन वी से d1 वन डॉट कलर नैनी सेट कलर d1 वन डॉट सेट कलर आई से ठीक हो गया अच्छा अब हम यही काम करते हैं सी ओहो ये गलती कर दी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं चेंज किया ये पता क्या करेगा ये डॉग टू के सब डॉग वन की प्रॉपर्टीज री राइट कर देगा मुझे यहाँ पे डी टू करना है सॉरी आई गेट दैट ठीक है सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ठीक है तो मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया उसकी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कर दी और मेन के अंदर हमने ये एक ऑब्जेक्ट बन गया ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया लेट्स रन दिस ये तक है मेरा पहला डॉग वन प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट टू और यहाँ से है मेरा ऑब्जेक्ट टू ठीक हो गया डॉग टू की प्रॉपर्टीज भी डिस्प्ले हो रही हैं ठीक हो गया तो इसका मतलब है कि आप एक क्लास के मेन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं पब्लिक आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डायरेक्टली दूसरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो सकते हैं ठीक है लेकिन जो आपके प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो आपके पब्लिकली सेट नहीं होते ठीक है आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए सेटर और गेट का फंक्शंस बनाने पड़ते हैं ठीक हो गया अच्छा अब एक काम करते हैं ना आ, मैं यहाँ पर अगर प्रिंट इंफॉर्मेशन नहीं कराती मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं कराती ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि चलो यू शुड नो कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिंट करानी है मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ डॉग वन की ब्रीड आ जाए ठीक है मुझे वो रिटर्न करानी है अब मुझे क्या पता चले मैं मैं डॉग की क्या ब्रीड सेट हुई है मुझे मुझे नहीं पता चला क्यों क्योंकि वो तो प्राइवेट है ये तो प्राइवेट मेंबर है मैं कैसे पहुंचूं इस तक ठीक है इसका मतलब है मुझे एक गेट का फंक्शन बनाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे जहाँ पे मेरा सेट का फंक्शन बना है ना मैं इसके साथ ही एक क्या करूँगी पब्लिक में ही एक गेट uh, ब्रीड का एक फंक्शन बनाऊँगी जो कि मुझे क्या रिटर्न करके देगा अभी बात समझें ज़रा जो मुझे ब्रीड रिटर्न करके देगा ठीक है क्या करेगा रिटर्न करेगा ब्रीड का वेरिएबल और ये ब्रीड क्या है स्ट्रिंग में है इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी स्ट्रिंग होगी ठीक हो गया सेट जब भी आप करते हैं वैल्यू तो पैरामीटर पास करते हैं ठीक है और जब भी आप वैल्यू गेट करते हैं मतलब आप वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं ठीक है आप वैल्यू क्या कर रहे हैं आप वैल्यू रिट्रीव हैं ठीक है आप वैल्यू uh, रिट्रीव हैं ठीक है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है आपको उसको रिटर्न करवाने की ज़रूरत है अब वो रिटर्न किस चीज़ की टाइप की वैल्यू कर रहा है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या है वो स्ट्रिंग कर रहा है अच्छा अब एक यूं करते हैं कि मैंने ये वैल्यू सेट कर दी यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि डी वन आप मुझे बताएं आपका ब्रीड क्या है ठीक है कौन सी ब्रीड थी आप मुझे वो प्रिंट करके बता दें ठीक है अब देखें मतलब वो जो रिटर्न करके देगा मुझे अब मैं क्या करती हूँ क्योंकि वो मुझे रिटर्न करके देगा ना बेटा तो मुझे यहाँ पे सेव कराने की ज़रूरत है हम उसको यहाँ पे सेव करा लेते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर ठीक है और हम इसको प्रिंट करा देते हैं ब्रीड को अच्छा मैं यहाँ पे कुछ ये भी प्रिंट करा देती हूँ K dog one has breed this you keep breed मैंने ये चेक करना है कि भई लेट्स से मैंने उसकी जो ब्रीड सेट की है वो मुझे वापस भी लेनी है आई वॉन्ट टू गेट इट आई वॉन्ट टू सी के डी वन की क्या ब्रीड्स गेट हुई है ठीक है आपको ये गेट uh, वापस अगर चीज़ चाहिए प्राइवेट मेम्बर की वैल्यू आपको रिट्रीव करा के आगे कहीं यूज़ करनी है ना तो हमें फिर उसका गेट का फंक्शन बनाना पड़ता है ठीक है सो दिस इज़ अ सेट फंक्शन एंड गेट फंक्शंस टू एसेस दी प्राइवेट डेटा मेम्बर्स ठीक है यहाँ पर आप आते हैं साथ साथ लिखते जाओ अच्छा अब हमने लेट uh, सी अब हम इसके ज़रा काम प्रिंट करा के देखती हूँ वो ये कहता है प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट दिस वो कहता है कि डॉग वन हैज़ ब्रीड हस्की वो कहता है डॉग वन की क्या है ब्रीड हस्की है ठीक है अच्छा प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट टू अब मैं क्या करती हूँ मैं क्योंकि ये फंक्शन पब्लिक है तो ये डी टू के लिए भी तो चल सकता है ना अच्छा तो यहाँ पे मैं जब उसका प्रिंट करवा रही हूँ तो यहाँ पर हम डी टू की बात करते हैं और ये वेरिएबल यूज़ हो चुका है इसलिए हम एक डिफरेंट वेरिएबल करते हैं और यहाँ पे हम कहते थे डॉग टू हैज़ ब्रीड दिस डॉग टू की हमने जर्मन शेफ दी है ठीक है अच्छा प्रिंटिंग डी वन अच्छा डी वन का ब्रीड हज है और डी टू हैज़ अ ब्रीड जर्मन फिश एफर्ट देखो ये जर्मन फिश एफर्ट कहाँ से आया वो ब्रीड के अंदर सेव हुआ और वहाँ से मैंने क्या कर दिया गेट कर लिया ठीक है आप इस चीज़ को ऐसे समझें लेट मी एक्सप्लेन यू दिस लेट मी ड्रॉ डाइग्राम फॉर यू ये देखें अच्छा डी वन ने सेट की ब्रीड की वैल्यू ब्रीड, ब्रीड क्या था प्राइवेट था सेट की है ब्रीड की वैल्यू क्या उसने इसके लिए सेट की है डी वन ने हस्की सेट की थी ठीक है और डी टू ने अपने इस वेरिएबल की वैल्यू क्या सेट की थी ब्रीड की आ, सेट की थी आ, जर्मन शेफर्ड चाहिए ठीक है सेट हो गई अब आपने गेट करनी है रिट्रीव करनी है अब यही वैल्यू आपने दोबारा यूज़ करनी है एक दफ़ा तो इनपुट तो हो गई तो जब आप वापस लेते हो तो आपका गेट का फंक्शन चलता है ठीक है प्राइवेट मेंबर्स के लिए और इसी तरह जब इसने वापस वो वैल्यू गेट की तो आपका वो किस तरह यूज़ होगा ये गेट का फंक्शन होगा ठीक है तो सेट का फंक्शन आपसे इनपुट लेता है और गेट का फंक्शन आपको रिटर्न करके देता है ठीक है इस चीज़ का ख्याल रखिएगा इसीलिए आप यहाँ पे गौर करें कि प्राइवेट मेम्बर जब भी सेट हो रहा है तो वैल्यू असाइन हो रही है और जब गेट हो रहा है तो वैल्यू रिटर्न हो रही है दिस इज़ द बेसिक एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो आपने ख्याल रखना है और हमने सेट और गेटर फंक्शन क्यों बनाए हैं फॉर प्राइवेट मेम्बर्स प्राइवेट डेटा मेंबर्स के लिए हमने सेटर गेटर फंक्शंस बना लिए क्योंकि जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं आसानी से आउटसाइड द क्लास रिट्रीव हो सकते हैं ठीक हो गया तो अगर आप प्राइवेट मेंबर्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है आपको उसको सेट और गेट फंक्शन बनाने की ज़रूरत है इस वीक जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपने ये क्लास बनाना प्रैक्टिस करनी है आपने जो हमें रिक्वायर्ड है कि आपको उसके एट्रीब्यूट से ही डेटा टाइप के साथ डिफाइन करने आने चाहिए आपको पब्लिक और प्राइवेट डेटा मेंबर्स का फ़र्क पता होना चाहिए पब्लिक डायरेक्ट असेस हो सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्ट असेस नहीं हो सकते अगर आपको एग्ज़ाम में ये कहा जाए कि इसके प्राइवेट मेंबर्स होने चाहिए इसका मतलब है आपको ये सेटर और गेटर फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ठीक है और अगर आपसे ये कोई कंपलशन नहीं है ये फंक्शन अगर आपके पब्लिक जाते हैं तो इसका मतलब है वो आउटसाइड द क्लास यूज़ हो सकते हैं अच्छा अब आप मैंने आपको एक और फंक्शन जो कॉल करके नहीं दिखाया ये ईट और रन के ये बिहेवियर है ठीक है तो ये क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शनज हैं ये डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकते मेन के अंदर जैसे आपने मैक्स मेन के अंदर कॉल कर दिया था ना अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि जी मैं ईट का फंक्शन कॉल कर दूँ ठीक है मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो एक नॉन स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ठीक है अब बताएं ये ईट का फंक्शन डी वन से भी बिलोंग करता है और डी टू से भी बिलोंग करता है ठीक है हैं तो शेयर्ड ना इन्फॉर्मेशन अब वो कहता हैं बताओ किस चीज़ के लिए किस ऑब्जेक्ट के लिए मैं कहती हूँ डी वन ऑब्जेक्ट के लिए आप ये फंक्शन कॉल कर दें ठीक हो गया अब देखना वो उसको कॉल करेगा इट ईट्स डॉग फूड ठीक है उसने इसके लिए कॉल कर दिया Uh, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ऊपर किया ना आप यहाँ पे कर लें हैज़ ब्रीड दिस डॉग फूड यहाँ पे करता है अच्छा आप uh, इस इसके लिए डी टू के लिए आप क्या करें रन uh, का फंक्शन बना हुआ था ठीक है आप इसको रन करा दें फंक्शन कॉल कर लें तो आपके जो नॉन स्टैटिक मेथड हैं वो डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकते उनको कॉल करने के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ठीक है इन दो तीन मेन पॉइंट्स का अपने नोट्स में ज़रूर डू मैंशन इट राइट ये देखें इट ईट डॉग्स फूड एंड इट रन फास्ट ये दोनों के लिए कॉल हो सकते हैं ठीक हो गया तो आपको स्टैटिक इस वीक आपको स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सारी लॉजिक एक जावा फाइल के अंदर रख दी है ठीक है वी विल डू दिस मैं आपको हमेशा ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगी कि जो जितना ब्लू है ना जो टेम्पलेट है सारा वो इधर आ जाएगा और जो उसका एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ना वो हम मेन मेथड में क्रिएट करेंगे जो हमने उसके वैल्यूज़ को असाइन करनी है वो आप डेफिनेटली आपके मेन मेथड से ही वैल्यूज़ असाइन होंगी और मेन मेथड में ही वो वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी आ, आ, प्रिंट भी हो जाएंगी ठीक है असेस भी हो जाएंगी और प्रिंट भी हो जाएंगी अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और अगर आप समझना चाहें कि यहाँ पर आप, आप नॉन स्टैटिंग मैथड्स देखें यहाँ पर आप एक स्टैटिंग मैथड भी बना सकते हैं इसको अगर मैं स्टैटिक कर दूँ ठीक है ये मैंने इसको स्टार्टिंग कर दिया ना अच्छा अब ये देखें कि आपको यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं ठीक है कि एरर्स क्या है आ, ये कहता है कि आपने एक स्टैटिक मेथड बनाया है लेकिन आप एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स उसके अंदर रेफर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है um, हम इसको ना नेक्स्ट uh, वीडियो में नेक्स्ट लेसन में ना एक अलग से लेसन दूंगी हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे ठीक है इस चीज़ को सो फॉर अ वाइल इसको नॉन स्टैटिक ही रखें फिर हम उसको स्टैटिक बना के फिर मैं आपको समझा दूँगी कि हमने ये काम कैसे करना है सो so, um, अभी डू दिस कोड दिस प्रोजेक्ट अगर आपको इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज एन कॉमेंट बिलो Uh, um, ऐसा ऐसा हम इस प्रोजेक्ट को ना मजीद बिल करते जाएंगे। अभी मैं आपको इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी बनाना सिखाऊंगी कि वो क्या होता है और हमें उसकी क्या लॉजिक है अभी आपको क्लास बनानी ही नहीं चाहिए उसके एट्रीब्यूट्स उसके मेथड्स आपको ऑब्जेक्ट को कॉल करना आना चाहिए मेन के अंदर ठीक है मेन मेथड आपको बनाना आना चाहिए और um, आपको प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस करना और पब्लिक मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है यू नीड टू प्रैक्टिस दिस अलॉट ठीक है अपनी ग्रिप इसके अंदर अभी स्ट्रॉन्ग करें uh, अगर आप ये अपना बेसमेंट स्ट्रॉग नहीं करेंगे यू यू आर गो ना फॉल्ड ठीक है सो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच